चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों वालों MMS बनाने का मुद्दा बहुत बड़ा रूप धारण कर गया है। इस दे खिलाफ विद्यार्थियों ने जबरदस्त नारेबाजी करदिया इसका विरोध किया है, जस्टिस की मांग की है। जिला प्रशासन ने इस संबंधी कहा है कि इस मामले में जिम्मेवार लड़की गिरफ्तार किया गया है। होरना लड़कियों के MMS बनाने या किसी लड़की वालों खुदकशी करने की कोशिश करने गल्लां निराधार हैं। बीती रात होए संगामे तो बाद अज जिला प्रशासन हरकत में आया। DC मोहाली, SSP मोहाली और पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने इस संबंधी पत्रकारों नाल गलबात की। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि किसी ने सुसाइड किया है या इवन अटेम्प्ट भी किया है। सो लड़कियां कुछ फेंट हुई थी, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, दे आर परफेक्टली फाइन। कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इवन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड ऐसा कुछ भी वो दैट इज नॉट ए करेक्ट वर्जन जैसा कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया है। सो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस चीज़ को हम इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई आगे सर्कुलेट ना किया जाए, क्योंकि इस तरह से एक पैनिक और एक डिफरेंट तरह का माहौल बनता है, तो वो चीज़ ना की जाए। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो चल रही है सारी इंसिडेंट, उसका फर्स्ट पार्ट है। रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट, जो कुछ वीडियो कोई सर्कुलेट हुआ या MMS बना है, उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हैज बीन टेकन बाय द पुलिस इन हैंड। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ हैड रिपोर्टेड टू द पुलिस अबाउट दैट इंसिडेंट फ्रॉम विच ऑल दिस हैज स्टार्टेड। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड FIR हैज ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड अंडर द IT एक्ट एंड द अदर रेलिवेंट सेक्शन। उसकी जो फाइनल जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, इम्पार्शियल फेयर इन्वेस्टिगेशन करके वो सामने आ जाएगी। और आई एश्योर यू इट विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। बाकी SSP साहब प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनको ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉसिबली इस चीज़ में यूज़ हुआ है, उस सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑलरेडी हमने कब्जे में ले लिया है और उसको फोरेंसिकली एग्जामिन करवाने के लिए भिजवाया जा रहा है। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके अलावा किसी और की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको दो चीज़ों के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक जो हमने अपने जो फ़ोन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है उसमें इस तरह का कोई और वीडियो किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में नहीं है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो लड़की के साथ में जो लड़की से पूछताछ की गई है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ किसी और लड़की के बारे में सामने नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स की जहाँ पे आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था कल रात को, मैं उस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल रात को वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक र्यूमर जो है इस तरह का फैल रहा है। वो र्यूमर को क्लियर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। जहाँ तक क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है, क्लीन चिट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। नॉर्मल प्रोसेस जो है, जो हमारा जो कानूनन प्रोसेस जो होना चाहिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो चुकी है। जो प्राइम अक्यूज्ड, अगर हम अक्यूज मान के चलें, जो प्राइम अक्यूज्ड है उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो पॉसिबली यूज हो सकता था इस चीज़ में, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने कब्जा पुलिस में ले लिया है, दैट इज ऑलरेडी बीन कन्फिस्केटेड। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना जो मशीनरी है, दैट हैज कम इनटू फोर्स, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, दैट डज नॉट मीन कि वी हैव हेल्ड कि कोई पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं। सर ये जो लड़के की गलबात आ रही है सामने कि एक लड़के को भेजी है, चाहे उन्हें अपनी ही भेजी है, हाले तक वो लड़का हाले तक गिरफ्तार मोबाइल हाले तक इन्वेस्टिगेट नहीं होर हो सकते हैं कि कोई वीडियो किसी को नहीं भेजी गई या कि सिर्फ एक लड़की के बिहार से वो बयान के उत्ते असी ये चीज़ को मान लिया कि नहीं भेजी, कि असी उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन किया उस लड़के के फोन में या लड़के इन्वेस्टिगेशन बटन के सामने लड़की कह रही है कि बाहरली वीडियो अंदरली नहीं है। मैं एक बार दोबारा एक बार क्लियर करना चाहूँगा, जो एक वीडियो और आ रही है जिसमें कि वार्डन जो है उसको लड़की को पूछ रहे हैं इस चीज़ में जो हमने वार्डन से इंटरेक्शन किया है, वो ये इलिसिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे पूछ रही हैं कि भी क्या किसी और की भी वीडियो बनाई है। जो आपने बात की इसी के लिए मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे नोटिस में किसी और की वीडियो सामने नहीं आई है, यानी कि अलग से चेक नहीं है इसी। माई ओनली सबमिशन है कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तो ही होया ना जी, जो अदर लड़कियां लगिया भी साडा है। मेरी एक सबमिशन है, मैं क्लियर कर रहा हूं सर। इसके अलावा भी किसी का रोल सामने आया है?
नहीं, अभी तक सिर्फ दो का ही रोल सामने आ रहा है। और अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आती चली जाएगी हमारे पास, हम उसके हिसाब से आगे आगे उसको प्रोसीड करेंगे। सर, एक ऐसी बात सामने आ रही थी कि उस लड़की को भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई थर्ड पर्सन, कि उसको वीडियो सेंड करने के लिए, ऐसा कुछ सामने आया हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ही नहीं आया है। पर मैं फिर दोबारा से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारी जो ये प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ इसलिए है कि जो भी र्यूमर्स अब तक चल रही हैं उन र्यूमर्स के बारे में हम लोग मतलब क्लियर हो जाए कि वो र्यूमर्स जो है वो गलत है। इस तरह के र्यूमर्स फैलने से आपके एडिटेड चैनल्स के थ्रू अगर लोगों को ये पता लगेगा तभी इस तरह के र्यूमर्स रुक सकती हैं। और आप सबसे अपील भी है कि इस तरह के र्यूमर्स को हम बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है हम रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग्स भी देंगे, हम प्रेस को इस इशू के बारे में क्लियर। आपने इस बात को क्रिटिसाइज किया, आप देखिए इस बात को ज्यादा इस तरफ मत घुमाइए। आप ये देखिए किससे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कमीशन की चेयरपर्सन हूँ, मेरा काम है कानून के साथ। तो मेरे को यहाँ पहले जो ड्यूटी बनती थी एसएसपी साहब खुद थे ब्रीफ करने के लिए, एक ऑफिसर साथ में बैठी हुई है, इधर ऑफिसर बैठे हुए, हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे जो सच है, या कोई आपको क्या अपने पंजाब के कानून की व्यवस्था पे विश्वास नहीं रहा कि कमीशन को कोई गुमराह करेगा। कमीशन ने जब तक चाहे कोई हो गलत के साथ गलत बोली हो, सही के साथ मैंने सही स्टैंड लिया, तो जब तक पूरी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आ जाती मैं कैसे कह दूं। मुझे ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम पुलिस को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग कर रहे हैं। जिस लड़की की तरफ से ये वीडियो वायरल हुआ हॉस्टल मैनेजर की तरफ से शिकायत हुई, अगर देखिए हॉस्टल मैनेजर की तरफ से शिकायत हुई है तो क्या आप ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया होगा। हॉस्टल मैनेजर भी तो यूनिवर्सिटी के अंदर में ही है ना, तो यूनिवर्सिटी का कंसर्न साथ में होगा ना, तो ही हॉस्टल मैनेजर ने शिकायत की है ना। हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने एमएमएस बने हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ, कोई एमएमएस नहीं बने, इट्स ऑल र्यूमर्स। किसी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, बच्चों ने धरना दिया। जिस लड़की ने ये वायरल किया हमारे ऑफिसर्स ने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए, कल सारी रात हमारे ऑफिसर सोए नहीं, इस मामले को पूरी संजीदगी से देख रहे हैं। 354C IT के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, मेरी इस मामले पे नजर रहेगी और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी।